शासन काल में कांग्रेस ने बहुत लंबा सफर अदा किया है, लेकिन चुनाव की बेला में भी अगर कोई अपने दल का विचार न करते हुए इस तरह से समय जाया करता तो ये उनका विषय हो सकता है। मैं इस पर क्या टिप्पणी करूंगा, लेकिन देव दर्शन करने की नगरी है उज्जैन, वो भगवान के दर्शन अच्छे से कर ले, मैं यही उनको शुभकामना देता हूँ। मध्य प्रदेश की धरती पर भगवान उनको सद्बुद्धि दे, एक पश्चाताप भी करे कि भगवान राम के मंदिर का न्योता उनकी पार्टी ने क्यों ठुकराया था, वो जनता से माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वो मंदिर बना, उनके एक नेता उस बनाए हुए मंदिर के स्थान के बारे में आज भी कोई देवस्थान तोड़ा गया इसका पश्चाताप करते हैं। माननीय राजीव गांधी जी निवेदन है वो उस पर अपना स्पष्टीकरण दे, और कुल मिलाकर के शांति और सद्भाव के टापू पर वो अपनी यात्रा जिस भाव से कर रहे हैं वो तो कभी फलीभूत होगी नहीं, क्योंकि जीवन भर जिस पार्टी ने अन्याय किया वो न्याय यात्रा पे निकल रहे, तो लोग उस बात के प्रश्न ढूंढते हैं कि आज भी उस काल के दरमियान किए गए अपराध इसके बारे में कांग्रेस क्यों सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगती।